सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड लोन अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक मिला है। पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड अप्लाई किस तरह से करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूं। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, घंटी प्रेस करिए ताकि आपको यूट्यूब से ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे आपको IPPP मोबाइल बैंकिंग आपको प्ले स्टोर से ओपन कर लेना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, सिंपली जाकर उस पेज पे जाकर पहुंच सकते हो। चलिए ये एप्लीकेशन को ऐसे मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन जैसे करेंगे आपके पास यहां पे थोड़ा लोडिंग लगा, फिर से ऑटोमेटिकली यहां पे आपको आ जाएगा। जो अपने यहां पे लॉगिन MPPIN बनाए हुआ MPPIN यहां पे आपको डालना है। चलिए यहां मैं डाल देता हूं। डालने के बाद ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। यहां पे मैंने डाल दिया, देखिए यहां पे ऑटोमेटिकली यहां पे ये खुल गया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, सेंड मनी का रिक्वेस्ट मनी, पे विल्स आपको कार्ड का ऑप्शन, भीम UPI, पेंडिंग रिक्वेस्ट। आपको यहाँ पे कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देखिए फिर से आपके दूसरा पेज आपको दिखाई देना है। देखिए वर्चुअल डेबिट कार्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए आपको नीचे में आपको शो कर जाएगा रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए आपके पास इस तरह का ऑप्शन आपके पास खुल का, यहाँ पर देखिए आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रुपये वर्चुअल कार्ड आपको देखिए, ये डेबिट कार्ड पाने के लिए आपको 25 रुपीज़ का आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी ये वर्चुअल डेबिट कार्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन भी पढ़ना चाहते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। देखिए यहाँ पे आपको दिया, ये ATM कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कितना ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विद इंडिया, आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी आप यहाँ जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट इसका दिया रहता है आपको। देखिए GST आपको यहाँ पे कटेगा। ये सर सारे कुछ पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे घबराने की बात नहीं, यहाँ पे एरर आया तो इसको आप घबराएगा नहीं, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। फिर से आपके पास यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। चलिए यहाँ से मैं बैक आ जा रहा हूँ। फिर से आपको यहाँ पे कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फिर से आपको रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके दूसरा ऑप्शन आपके पास खुल कर यहाँ पे शो करेगा आपको। देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, देखिए आगे बढ़ रहा, देखिए यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ रहा। चलिए यहाँ मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे देखा ये वाले आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे, देखिए आपको थोड़ा पे यहाँ पे आपको वेटिंग करना है कि आपके मोबाइल नंबर पे जो बैंक के साथ रजिस्टर वो मोबाइल नंबर पे आपके OTP आएगा, वो OTP का आपको यहाँ पे फिल करना। चलिए यहाँ पे मैं OTP फिल कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। ये आपको देखिए यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे शो कर देगा, ये आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड को ये डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये डेबिट कार्ड देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का आपको डेबिट कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। और भी चीज़ जानने के लिए आपको यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करना है। आपके यहाँ पे कार्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको फिर से यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके पास यहाँ पे, देखिए अगर आपका डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं यहाँ पे देखिए ब्लॉक वर्चुअल डेबिट कार्ड से ब्लॉक कर सकते हैं, आप अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज लिमिट को आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं अपने मैनेज लिमिट को। अगर ये ATM कार्ड का पूरा आपको डेबिट कार्ड का नंबर एक्सपायरी डेट देखना है तो यहाँ पे व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपका यहाँ पे MPIN है वो लॉगिन MPIN आपको यहाँ पे डालना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का पूरा नंबर आपको शो कर देंगे, डेट मंथ एक्सपायरी क्या वो आपको यहाँ पे सब शो कर देंगे। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड में देखने के लिए मिल जाता है, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके नीचे इस वीडियो में पूछ सकते हैं।